इसको रिपीटेडली पढ़ना और नंबर टू इसकी जो बोरिंग फेज है ना उससे बाहर निकल जाना। ये बोरिंग फेज होता है, इसमें इंडोर्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको इसकी इसी फेज को अपना आप लोग क्लियर कर दोगे, इसको लेके चलोगे, जिस तरह मोहतरम खान साहब बड़ा ही सादे लफाज में इलस्ट्रेट कर करके आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फेज को अब मेंटेन करके गुजरे इंशाल्लाह ये बड़ा स्मूथ हो जाएगा। और क्यूएसओ ही सबसे अहम सब्जेक्ट और टेक्निकल सब्जेक्ट है जो डील करता है तमाम आपकी लेजिस्लेशन को, तमाम लॉ को, सिविल को, क्रिमिनल को, वट एवर है। इसलिए इस पर थोड़ा सा वो जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेंटली करना पड़ेगा, आपको अटेंड भी करना पड़ेगा, प्रेजेंस भी रहना पड़ेगा। तो मैंने खान साहब को रिक्वेस्ट किया कि 30 आर्टिकल्स तक जाना है इन्होंने, तो अगर इंग्लिश के लेक्चर की जगह इसको ही हम 5:30 तक लेके चलते हैं, अगर आप लोग बोर ना हो तो इसको प्लीज फॉलो करें, मेरी तो आपको सबको रिक्वेस्ट यही है। ठीक है खान साहब, जो 30 आर्टिकल्स तक लेके चलते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनसे थोड़ा सा वो इंटरेक्टिव भी होगा, 5:15 तक करते हैं, लास्ट 15 मिनट क्वेश्चंस पे रख लेंगे। ठीक है जी सर, प्लीज। अब देखें कि कैसे हमने कवर किया है, ये एक बंदे पे इल्जाम था कि उसने क्राइम किया है, तो अगर एक ऐसी एविडेंस आई है जिसके मुताबिक ईदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द लैश टाइम उस बंदे ने ऐसी एविडेंस दी है जिससे जाहिर हो कि फैक्ट्स उसके लिए फेवरेबल है, या उसने एविडेंस छुपाया है, यह एविडेंस दायर किया है, या किसी गवाह की या किसी तरीके से इसकी मैनिपुलेशन करने की कोशिश की एविडेंस की, तो ये सारी चीज़ें उसकी एलिगेशन के हवाले से रेलिवेंट मान लें। द क्वेश्चन इज वेदर ए और बी, द फैक्ट दैट आफ्टर बी वाज रॉब्ड सी सेड इन हिज प्रेजेंस The police are coming to look for the man who robbed me, and that immediately afterwards, A ran away again. Question ये है कि नहीं क्या A ने B को लूटा? तो evidence ये आती है, एक बंदा कहता है कि जब B लूटा गया था ना, तो C ने उस A मुल्ज़म की मौजूदगी में कहा, जब ये कहा ना सी ने ए की मौजूदगी में मुल्ज़िम की कि पुलिस उस बंदे को पकड़ने आ रही है जिसने बी को लूटा है, ठीक है, तो वो जनाब ए लगा भाग गया वहां वापस, ये चीज भी उसके खिलाफ जा रही है और रेलिवेंट बन गया। अब कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है तो ये रेलिवेंट बन गया। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को 10,000 रुपया देना है? अब इसकी कोई एविडेंस ये आती है कि ए ऑफ सी टू लेंड हिम मनी एंड दैट डी सेड टू सी इन एज प्रेजेंस एंड हियरिंग आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर ई ओज बी 10,000 rupees दैट एंड दैट ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर फॉर रेलिवेंट कि तीसरा बंदा भी ये कह रहा है कि भाई ए पे ट्रस्ट ना करना, इसमें बी को भी 10,000 रुपया देना है, ठीक है, और इस तरह की एविडेंस आई है रेलिवेंट फैक्ट बन गया। क्वेश्चन है जी कि वेदर ए कमिटेड अ क्राइम है, अब क्या एविडेंस आता है कि फैक्ट दैट ही एब्सकॉन्डेड आफ्टर रिसीविंग अ लेटर वार्निंग हिम दैट इंक्वायरी वाज बीइंग मेड फॉर द क्रिमिनल एंड द कंटेंट ऑफ द लेटर आर रेलेवेंट। क्वेश्चन ये देखना है कोर्ट ने कि क्या ए ने क्राइम किया है,
एविडेंस आती है कि ए जो है एक लेटर मिला और उसके बाद भाग गया, बॉन्ड कर गया। वो लेटर क्या था कि जी जिसने क्राइम किया ना उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही, ठीक है, ये रेलिवेंट मान लिया। अब अगली मिसाल दी है उन्होंने कि ए पे इल्जाम में कुछ जुर्म किया, एविडेंस दी जाती है, क्या फैक्ट दिए जाते हैं कि जुर्म करने के बाद वो भाग गए या उसके कब्जे में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है या उस प्रॉपर्टी के प्रोसीड हैं जो उसने जुर्म से हाथ लगी है या उसने चीजें छुपाने की कोशिश की है, विच वर और माइट हैव बीन यूज्ड इन कमिटिंग इट। मिसाल के तौर पर कोई हथियार है, कोई पैसे उसने लूटे हुए हैं, ठीक है, भाग गया है, ये सारी चीजें रेलिवेंट बन गई। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेविश, क्या उसका रेविश हुआ है, रेप हुआ है। द फैक्ट्स दैट शॉर्टली आफ्टर द अलेज्ड रेप एविडेंस दी जाती है कि मुबैना रेप के थोड़ी देर बाद उसने उस क्राइम से, उस रेप से मुतल्लिक शिकायत की है, शी मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वाज मेड अ रेलिवेंट। वो हालात जिनके अंडर उसने कंप्लेंट की है वो भी रेलिवेंट हो। और अगला लिखा है इन्होंने कि द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन रेविश्ड इज नॉट रेलिवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस आर्टिकल, दो इट मे बी रेलिवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 46 और एज अ कोऑपरेटिव एविडेंस अंडर आर्टिकल 153। अच्छा आप देखें कि कानून शादा में ऐसे भी है, मैं आता हूँ एक फैक्ट है ना, हो सकता है एक से ज्यादा आर्टिकल के अंदर रेलिवेंट हो, ऐसे भी हो सकता है कि एक आर्टिकल का रेलिवेंट नहीं है किसी और के तहत रेलिवेंट हो। ये उसकी एक मिसाल है कि दो ये भी उसने मिसाल दी है कि इसके अंदर रेलिवेंट नहीं होगी लेकिन दो और आर्टिकल का उनके अंदर रेलिवेंट बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जी, आप समझ रहे हैं कि ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स आर जी बिल्कुल जी। देखें जितने फैक्ट इन इशू है ना, ठीक है, फैक्ट इन इशू एक ही होता है या एक से ज्यादा होंगे ना एक अग्रस के, ठीक है, वो फैक्ट इन इशू भी दे आर ऑल एडमिसिबल जो फैक्ट इन इशू पे एविडेंस आ रहा है, ठीक है। लिहाजा ये कहना स्ट्रिक्ट सेंस हो के वो फैक्ट इन इशू ही रेलिवेंट फैक्ट है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन फैक्ट इन इशू एक ही है, क्या कत्ल हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ही फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट है, जैसे कत्ल होना और कत्ल का मोटिव होना अलग अलग चीज है। कत्ल होना तो फैक्ट इन इशू आ गया तो उसका मोटिव भी वो रेलिवेंट फैक्ट आ गया, उसकी प्रेपरेशन किसी बंदे से रिकवरी होनी वो रेलिवेंट फैक्ट का होता है, ठीक है। लिहाजा इन दोनों को आप आपस में कंफ्यूज या कन्फर्म नहीं कर सकते, दोनों रिलेटेड हैं लेकिन दोनों सेम चीजें नहीं है, एक मेन चीज है। प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल बेसिकली इस तरह से है कि आप ये कह रहे हैं कि ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल, तो ऑल एडमिसिबल फैक्ट जो हैं वो रेलिवेंट हो, इस तरह से ऑल एडमिसिबल फैक्ट्स आर रेलिवेंट, लेकिन ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स आर नॉट नेसेसरली एडमिसिबल, ये याद रखना, ठीक हो। इस तरह से इसको लें प्रिंसिपल को, मेरे ख्याल से आप प्रिंसिपल को जरा शेयर अगर मैं सब करते हैं नहीं लिखा हुआ तो हो सकता है कि वर्डिंग आगे पीछे होगी वो मेरे इतनी आपसे उसको अलग है।
लेकिन मैं उसकी जो पहली फेज में आ रहा है कि ऑल फैक्ट्स इश्योर रेलेवेंट है, आप उसको इस सेंस में ले सकते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन फैक्ट इश्यू रेलेवेंस है, रेलेवेंट है, रेलेवेंट है उस तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो रेलेवेंसी का लफ्ज यूज हो रहा है ना यहाँ पे कन्वे शहादत में कि रेलेवेंट फैक्ट कौन से, ऑल फैक्ट इश्यूज में भी रेलेवेंट के उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। बट और अगली आप बात करें कि और रेलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट इश्यू, तो ये दूसरी बात वही हो रही है जो मैं कह रहा हूँ कि मोटिव है, प्रेपरेशन है, कंडक्ट है, इट इज नॉट अ फैक्ट इश्यू, इट इज नॉट अ फैक्ट इश्यू, दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर कन्वेंशन, ठीक हो गए। ये क्या है, क्या आप समझ लेंगे जो मेन लफ्ज है क्रिएटेड कॉर्पस डेलिक्ट, बॉडी ऑफ क्राइम। किसी भी बंदे को सजा देने से पहले आपने देख लिया कि जुर्म हुआ है और इस बंदे ने किया, जुर्म होना फैक्ट इश्यू, किस बंदे ने किया उसके लिए आप किस किस चीजों पर लाए जा रहे हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स है जिसमें आपका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आता है, जिसपे आपने रिकवरी स्टार्ट किया मुख्तलिफ चीज, ये आपका रेलेवेंट फैक्ट्स आता है, उसी से आपको बॉडी ऑफ क्राइम है कॉर्पस डेलिक्टाई। कॉर्पस डेलिक्टाई को जनरल पॉपुलर सेंस में आमतौर पर डेड बॉडी से भी कभी करते हैं, या एक बिल्डिंग में जो आग लगती है उसको भी कॉर्पस डेलिक्टाई कह देते हैं, लेकिन कॉर्पस डेलिक्टाई इनफैक्ट बॉडी ऑफ क्राइम है कि वो नहीं है जिससे आपने साबित करना है जुर्म हुआ है और इस बंदे ने किया, ये कानूनी शब्द में आप पढ़े हैं। एक मैं आपको फ्रेज शेयर करता हूँ, जो है ना फैक्ट एक इशू जो मेन फैक्ट है इसको हम फैक्टर को बैंडल भी कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल फैक्ट है फैक्टर प्रोबैंडम, पी आर ओ बी ए एन डी यू एम, फैक्टर प्रोबैंडम ये प्रिंसिपल फैक्ट है, और जो रेलेवेंट फैक्ट है ना ये एविडेंशियल फैक्ट है, इनको हम फैक्टर प्रोबेंस कहते हैं, F A C T U M P R O B A N S, फैक्टर प्रोबेंस, प्रोबेंस P R O B A N S, प्रिंसिपल फैक्ट जो है ना आप उसे समझे कि वो फैक्टर इश्यू है, और जितने एविडेंशियल फैक्ट्स हैं उस फैक्टर इश्यू को, उस प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव करने के लिए वो आपके रेलेवेंट फैक्ट है। एक इसकी आखिरी एक मिसाल है जरा कहानी सुन ले इसी की, ये बड़ा जो कंडक्ट वाला इंपॉर्टेंट चीज है ना मोटिव और प्रेपरेशन, क्वेश्चन है कि क्या एक रॉक हुआ, एक वो रॉक एविडेंस आती है कि रॉबरी के थोड़ी बार उस बंदे ने ए ने कंप्लेंट की मेरे साथ जुर्म हुआ, तो जिन हालात में जिन टर्म्स कंप्लेंट उसने की है रेलेवेंट है, द फैक्ट दैट ही सेड ही हैड बीन रॉन्ग विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट इज नॉट रेलेवेंट, कंप्लेंट नहीं की और एविडेंस दिया जा रहा है कि नहीं ही वाज रॉन्ग, उसने कहा कि ये कंडक्ट के अंदर रेलेवेंट नहीं है इस आर्टिकल में, लेकिन अगर वो बंदा मर गया, इंजर्ड हुआ, मर गया, उसकी डाइंग डिक्लेरेशन दी, उसके अंदर की रेलेवेंस ही आ गया, ठीक है, कंप्लेंट नहीं की है लेकिन उसने किसी को बोला, बैंक डेक्लेरेशन दिया, उसने रेलेवेंस ही आ गया, दो इस आर्टिकल के अंदर रेलेवेंट नहीं हुआ लेकिन आर्टिकल 46 में रेलेवेंट आ गया। मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा, ओवरलैपिंग आर्टिकल है, एक आर्टिकल में समटाइम नहीं रेलेवेंट होगा दूसरे में रेलेवेंट हो जाएगा, तो ये चीज भी नीड टू अंडरस्टैंड, हम मैक्सिमम स्कोप अपना बढ़ा सकते हैं कि एक चीज हम साबित करना चाह रहे हैं और यही ये चीज या ये स्टेटमेंट रेलिवेंट है, और हम देख रहे हैं कि किस आर्टिकल के अंडर में से ले गया वहां पर ये रेलिवेंट हो जाएगा। अब अगला आर्टिकल है 22
के फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। पहले मैं पढ़ता हूँ, मिसाल देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। देखें कि वो फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को और रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है, या विच स्पोर और रिवर्ट एन इंफ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, कि उस या किसी ऐसी चीज को स्पोर करते हैं या तब्दील करते हैं किस चीज की, कि किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से अगर हम कोई चीज अखज कर रहे हैं और उस चीज को या स्पोर्ट कर रहे हैं, उसको रद्द कर रहे हैं, वो भी रेलेवेंट है। और विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हूज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट, अगर किसी चीज की आइडेंटिटी रेलेवेंट है, उस आइडेंटिटी को भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो भी रेलेवेंट है। या और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट एन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हैपन, कि अगर इस चीज पर भी रोशनी डाल रहे हैं कि जी इस टाइम पे और इस जगह पे ये फैक्ट एन इशू या रेलेवेंट फैक्ट है वकूफ भी हुआ, वो भी रेलेवेंट है। और विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय होम एनी सच फैक्ट वॉज ट्रांजेक्टेड, उन ऐसी पार्टियों पर जिनके जरिए ये फैक्ट एन इशू या रेलेवेंट फैक्ट हुआ उनका ताल्लुक भी बताते हैं, वो भी रेलेवेंट है। ठीक है, और रेलेवेंट इन सो पर है दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। अब वो स्कोप भी दे दिया कि उस हद तक उस मकसद के लिए ये रेलेवेंट है। मिसाल दिए क्वेश्चन है कि क्या एक डॉक्यूमेंट है ये एक ही वसीयत है कि नहीं, इसके हम कंसिडर कर सकते हैं। अब इससे क्या निकाला कि जो एक ही प्रॉपर्टी की हालत थी, उसकी फैमिली की हालत थी, उस विल के टाइम बनाने के टाइम रेलेवेंट फैक्ट है, समझ में आती है बात। एक बंदा बहुत गरीब है और वो कह रहा है कि मैंने करोड़ों रुपये की विल कर दी है, तो जाहिर है उस विल को तो नहीं माना जाएगा, अगर एविडेंस आ जाता है, क्योंकि एक तो बंदे की कैपेसिटी नहीं थी इतनी। तो लिहाजा रेलेवेंट फैक्ट क्या था, बिल बनाई है कि नहीं बनाई है, एविडेंस आया कि उस बंदे की तो हालत ही ऐसी नहीं जितना उसकी फैमिली ने प्रॉपर्टी की लागत रेलेवेंट। अगली मिसाल के लिए है कि ए सूज बी बीवन वर्मा कटर फॉर लाइबल इंक्लूडिंग दिस ग्रेसफुल कंडक्ट टू ए, जहाँ हम लोग कहते हैं कि उसका रवैया ए के साथ जो था ना वो मतलब गैर मुनासिब था। He affirms that the matter alleged to be nebulous is true. The position of B कहता है कि नहीं, मैंने योग कर और सही कर। The position and relations of the parties at the time when the label was published may be relevant facts as introductory to the fact finding. कि उस वक्त के पार्टियों के हालातों आपके यार उनका स्टेटस उनके आपस में ताल्लुकात रेलिवेंट बन जाए। The particulars of a dispute between A and B of open matter unconnected with alleged libel are irrelevant, though the fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relations between A and B. अब उसकी उनकी अगर कोई dispute की बात होगी, उनकी dispute चल रही थी, लेकिन उस libel से connected नहीं है तो irrelevant, ठीक है। लेकिन हालांकि उस हद तक ये रेलिवेंट हो सकती है कि ए को बी के ताल्लुकात क्या है, लेकिन उस लाइबल के लिए। अब अगली मिसाल है कि ए पे इल्जाम है कि उसने जुर्म किया, एविडेंस आती है कि उस जुर्म के थोड़ी बाद ना वो बंदा अपने घर से वो आ गया एक्सपॉन्ड कर गया, ठीक है जी। इस रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 के अंदर ये रेलेवेंट बन जाता है, किस तरह से, कि ये उसका रवैया था, कंडक्ट था,
इस तरह से सबसीक्वेंट टू द क्राइम उस जुर्म के बाद, और ये आगे लफ्ज लिखा हुआ है अफेक्टेड बाय फैक्ट एंड इशू, क्राइम फैक्ट एंड इशू था, फैक्ट एंड इशू होने से उसका रवैया क्या हुआ कि घर के बाद हुआ, लिहाजा उस रवैये के अंदर ये इसकी रेलिवेंस। और अगला फैक्ट के जब उसने घर छोड़ा, when he left that fact that at the time when he left home he had certain and urgent business at a place to which he went is relevant as standing to explain the fact that he left home suddenly. वो बंदा कह रहा है कि मैं तो इसलिए घर छोड़ा था थोड़ी तौर पर कि मेरा एक फौरी काम था जहाँ पर मैंने जाना था। तो अगर वो ये एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं इसलिए घर पर नहीं छोड़ा है वो नहीं रेलिवेंट है। द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी टू शो दैट द बिजनेस वाज सर्टेन अर्जेंट। अब इस चीज से कानून को बंद नहीं है कि वो जिस बिजनेस के लिए गया है फौरी तौर पर वो क्या बिजनेस था, सिर्फ इस हद तक रेलिवेंस ही है बताने की कि वो बिजनेस इस तरह का था कि उसे फौरी तौर पर निकलना पड़ा, कि वो काम इस तरह का था कि फौरी तौर पर निकलना पड़ा। अगर ऐसी एक्सप्लेनेशन आई ऐसी एविडेंस आई वो भी रेलिवेंट बन जाए। पूरी तरह करीब आते हैं लेकिन ये एक दो दफ़ा आप बोध वो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कोई देर हो जाए। अब अगली मिसाल यहाँ ये है कि वी को सू कर रहा है, केस कर रहा है सिविल सूट, कहता है कि आपने सी को तरगीब दी है यूज़ की है कि उसके साथ जो एक वायदा था ना सर्विस का, ठीक है वो तो ए सूज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्टर सर्विस मेड बाय हिम विद ए। सी जब ए की सर्विस छोड़ता है तो ए को कहता है कि मैं छोड़ रहा हूँ, आई एम लीविंग यू बिकॉज बी हैज मेड मी अ बेटर ऑफर। अब ये जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ सी कंडक्ट विच इज रेलिवेंट एज अ फैक्ट इशू। यानी कि ए बी का मुकदमा कर रहा है कि भाई तुमने सी को कहा था कि मेरे पास जो सर्विस है ना कर रहे हो इस मुआवजे को छोड़ दो, और ए ही एक एविडेंस लेके आता है कहता है जो सी है ना उसने मुझे कहा था कि मैं आपका साथ सर्विस इसलिए खत्म कर रहा हूँ कि बी ने मुझे आपसे बेहतर ऑफर दिया, ठीक है। अब ये सी के जो कंडक्ट है ना उसको एक्सप्लेन करता है, उस पर रोशनी डालता है, उस हवाले से ये फैक्ट नहीं करके रेलिवेंट बन जाता है विच इज रेलिवेंट एज अ फैक्ट नहीं। अब जो आप पास आ रहे हैं ना एवरी फैक्ट एंड इशू इज रेलिवेंट, अभी उस जुमरे में आ रहा है रेलिवेंसी कि फैक्ट एंड इशू की रेलिवेंसी मान ली, रेलिवेंट फैक्ट और चीज है, रेलिवेंसी और चीज है, ये काइंड क्लियर कर। एक फैक्ट एंड इशू का रेलिवेंट होना और चीज है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट और फैक्ट एंड इशू जो है वो का रेलिवेंट हो गया, दूसरी तरफ जो है उसको साबित करने वाले फैक्ट हैं रेलिवेंट फैक्ट वो लेता है। ए पे इल्जाम है चोरी का, ए एक्यूज ऑफ थेफ्ट है, इट सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी, उसे देखा जाता है कि वो जो चोरी शुदा प्रॉपर्टी है वो बी को दे रहा है। और Who is seen to give it to A's wife? ठीक है, और वो A की उसकी बीवी को दे रहा है जिससे चोरी का नाम है, से ही डिलीवर है। A says you are to hide this. B statement is relevant as explanatory of the fact which is part of a transaction. A पे इल्जाम है उसने चोरी की, उसको देखा जाता है कि वो प्रॉपर्टी B को दे रहा है, बी जो है वो प्रॉपर्टी दे रहा है ए की वाइफ को, बी जब प्रॉपर्टी देता है उसको
तो कहता है कि भाई तुम्हारा जो खावन है ना ए, वो कह रहा है कि तुम्हें छुपाना, यू आर टू हाइड। अब बी ने ये जो बात की है ना, इसकी एविडेंस आती है तो उसकी इस आर्टिकल के तहत एलिमेंट्स बन जाते हैं। क्यों? कि उस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही है विच इज पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, प्रॉब्ली की ट्रांजेक्शन, फैक्ट की ट्रांजेक्शन। ए के खिलाफ ए इज ट्राइड फॉर अ राइट एंड इज प्रूव टू हैव मार्च एट द हेड ऑफ द मॉब। द क्राइम ऑफ द मॉब आर रेलेवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। राइटिंग का नाम है ठीक है, मार्च एज हेड, हेड के तौर पर वो मॉब के हेड के तौर पर चल रहा है। अब जो चीखो पुकार है ना उस मॉब की, उस मजमे की, वो उस मैटर को एक्सप्लेन करने वाली इन पार्टी जो है वो भी रेलिवेंस ही बनती है। अब लोग आप देखेंगे बेशुमार हजारों लाखों करोड़ों चीजें हैं, उन्होंने हर तरह से कवर कर दी है कि आप उनको रेलिवेंसी के अंदर लेके आ सकते हैं। सेकंड नहीं अभी ये एक आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 5 मिनट आपके चाहिए। आर्टिकल 24 है, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। ये आपका एलिबाई पे है बेसिकली। आपको क्वेश्चन आता है अक्सर कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट है, वो अदरवाइज मतलब रेलिवेंट नहीं होते लेकिन रेलिवेंट बन जाते हैं। कब बनते हैं? इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट में जो रेलिवेंट फैक्ट है वो तो साधन हो ही पहले सब इनकन्सिस्टेंट हो। मिसाल के तौर पर फैक्ट नहीं इशू है कि जी ए ने ये क्राइम किया सियालकोट में, ए एविडेंस देता है कि जी मैं तो उस टाइम पर उसी दौर में एलिबाई देता है। जो आपकी एलिबाई की एविडेंस है ना वो आर्टिकल 24 के अंदर डाल है। आपको क्वेश्चन आएगा कि एलिबाई क्या है, या क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि कौन से फैक्ट हैं जो रेलिवेंट नहीं है लेकिन रेलिवेंट बन जाते हैं। तो ना सिर्फ फैक्ट नहीं इशू के मुतसादम हो बल्कि अगर वो रेलिवेंट फैक्ट के भी मुतसादम है फैक्ट तो फिर भी वो रेलिवेंट बन जाए। मिसाल ये है कि ए ने क्राइम किया पिशावर में किसी पार्क में, एविडेंस दिया जाता है कि ए कहता है कि मैं तो वो एविडेंस आता है कि लाहौर में, ये रेलिवेंट है ठीक है। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड व्हिच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल दो नॉट इम्पॉसिबल दैट ही कमिटेड इट इज रेलिवेंट। एक बंदा कह रहा है कि मैं कचहरी में क्राइम किया है, उस इल्जाम में कचहरी उसने क्राइम किया है 2 बजे। वो बंदा कहता है कि मैं तो 1:30 बजे गुजरांवाला में था। आप ये कह सकते हैं कि यार डेढ़ आधे घंटे में सियालकोट आना तो इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मतलब हाईली इम्प्रॉबेबल है कि आधे घंटे में बंदा यहाँ पर आ जाए। वो अगर बंदा कैसे एविडेंस दे देता है वो भी उसकी एलिबाई रेलिवेंट फैक्ट बन जाए। फिर ये है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाय ए बी और सी डी। Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, either C or D is relevant. ठीक है, ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस दिया जाता है भी कोई और नहीं कर सकता, अपॉर्चुनिटी का कौन करता है, इस तरह के एविडेंस भी रेलिवेंट है। तो ये हम एलिमाई वाले को इसको डील किया है। अब कुछ और आर्टिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एलाबोरेट करेंगे। आप इन मीनिंग इनको एक दफ़ा पढ़िएगा, मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ों की बेशुमार चीज़ों की नहीं समझ आई होती है, फर्स्ट गो में नहीं आती है, इट इज़ नेक्स्ट लेक्चर। हमारे साथ भी ऐसे हुआ दो तीन तीन दफ़ा नहीं समझ में आती ठीक है, क्योंकि आपका जो एक प्रैक्टिस का लेवल होता है उस आहिस्ता आहिस्ता भी चीज़ें तो आपको समझ आती हैं। तो आप जब एक दो दफ़ा पढ़ेंगे उसके बाद ही क्लियर होती जाएगी। आप बार बार क्वेश्चन करेंगे पूछेंगे जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगी। मेन वो ये फैक्ट इशू रेलिवेंट फैक्ट इस पर आपकी ग्रिप हो जाएगी। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि
नीज अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो जस्टिस नीज की जो कन्वेंशन लॉ फैक्टर है वो जरूर पढ़िएगा। डेट वेरी लेबोरेटिव और बहुत जबरदस्त आपको स्क्रीन करने के लिए। आज बस इतनी कोशिश की कि आर्टिकल्स को एक दफ़ा गो थ्रू किया जाए ताकि माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर किया जाए कि आगे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये बेहतर हो सके। इसका साथियों की है उनका भी साथ साथ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे सके ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो इसमें मेंटेन रहे। ठीक है, और उसमें एक मैं आपका क्वेश्चन देख रहा था बीच में आया हुआ था जैसे कि एक क्राइम होता है डेड बॉडी नहीं मिलती है तो फिर अदालत क्या करेगी, क्या सेंटेंसिंग जो की जा सकती है नहीं की जा सकती कॉर्पोरेट डायरेक्टर के हवाले से क्वेश्चन था। तो ये इस तरह की चीज़ें फिर प्लस आप लोगों के दिन में जो प्रॉपोजिशन आती हैं वो आप बताइएगा तो उनमें शामिल हो उनको हम आर्टिकल को सामने रख के सॉल्व करें ताकि आपको उसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है आर्टिकल का वो सारा कवर हो जो भी कॉम्पिटिशन आती है। जिस तरह से आप ज़्यादा माइंड अप्लाई करेंगे कि कॉम्पिटिशन आएगी कि ये चीज़ प्रूव होनी है नहीं होनी है इस सिचुएशन में क्या करना है हम उस आर्टिकल को सामने रख के उसका सलूशन बताएँ। तो ऐसा ऐसा बड़ा स्लो प्रोसेस है लेकिन ये कि ये एक फर्स्ट स्टेप आज हमने लिया है। ये मैं भी आपको शायद काफ़ी एक्सपेक्टेशन पे ना पूरा उतरा हूँ काफ़ी हद तक और आप भी मुझे नहीं पता क्या लेवल है लेकिन इट्स माई वेरी हम्बल एफर्ट कि एक ट्रैक पे आपको लेके आता क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने कानून शब्द पढ़ना शुरू किया था तो किसी चीज़ पे फंस किया था कि फैक्ट नहीं छू गया रेलिवेंट फैक्ट था। और आप यकीन करें कि जब ये दोनों चीज़ें समझ आ जाती हैं तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हो पाए मुझे विद यू आप बर्दाश्त करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सबसे मतलब मेरा ख्याल है ड्राई सब्जेक्ट है कि इसको थोड़ा मुश्किल है समझना लेकिन ये कि जब आप पढ़े वो देख लो तो ठीक हो जाएगा वहाँ तो क्वेश्चन आप किसकी तरफ अभी वो क्वेश्चन है इंटेंशन आम हालात में इंटेंशन है लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन है उसको हम उसको मेंद्रिया पे कहते हैं और मेंद्रिया जब टेंजिबलाइज हो जाता है या मटीरियलाइज हो जाता है क्रिमिनल एक्ट बनता है उसको हम एक्टर क्रिया कहते हैं। मेंद्रिया क्या देखें मेंद्रिया में एक थोड़ी क्रिमिनलिटी का एलिमेंट आ जाता है ना मेंद्रिया में कि जब एक क्राइम के इंग्रीडियंट देख रहे होते हैं आप देखें कि लेट्स सपोज 300 की डेफिनेशन है कटलियम की कि लिखा हुआ है कि एनी एक्ट और मिशन विद नॉलेज और इंटेंशन आपको ऐसा काम करते हैं नॉलेज इंटेंशन के साथ कि ये इसे बंदा मार जाता है वो जो इंटेंशन का जिक्र हो रहा है मिशन दैट इज मैन थी और वो जो काम आप कर रहे हैं दैट इज एक्टर थी। कुछ ऐसे क्राइम हैं मुझे पता है आप लोग कैपेबिलिटी फॉर पार्ट वन में पढ़ते हैं जिसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट आप क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं। कुछ ऐसे हमारे स्टैट्यूट्स में फैंसेज हैं कि जिसमें उन्होंने मेंद्रिया को निकाल लिया उनमें क्या है कि अगर इन फैंसेज में एक्टर दिया है ना तो काफी बाकी जितने फैंसेज हैं मेन उनमें मेंद्रिया को रखा कि क्रिमिनल इंटेंशन भी देखते हैं। कुछ फैंसेज हैं जिसमें उन्होंने इन मटीरियल कर दिया अब 302 में लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया और गौर से लिखिएगा लफ्ज़ लिखा है इंटेंशन और नॉलेज आपको इंटेंशन नहीं दी है आपको नॉलेज है यार मैं फायर मारू मैं मरे कवर तो इस चीज़ को उन्होंने कवर किया मैं दे जा ये तो इंग्लिश लॉ के हवाले से जो तीन चीज़ें जो हमारे यहाँ पे जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता था उन चीज़ों को उन्होंने कवर किया नॉलेज का लफ्ज़ ऐड कर दिया। ये खैर एक अलहदा डिस्कशन है ठीक है तो जब एक दफ़ा हम इंशाल्लाह बोल शुरू करते हैं तो ये जितने आपके क्वेश्चन हैं ना सारे इनको फर्दर मैं भी अपनी स्टडी मटीरियल इम्प्रूव करूँगा आपके साथ साथ ठीक है मेरी भी लर्निंग होगी या फिर नहीं है साथ साथ मैं भी पढ़ूँगा साथ साथ जो भी नॉलेज है।
जी देखिए अकम्प्लीस अभी हम आ रहे हैं उसमें अकम्प्लीस वाली डेप्थ में कॉलेज में उस टॉपिक पे अभी आ रहे हैं अकम्प्लीस अप्रूवर का विद रेफरेंस टू कानून शादा विद रेफरेंस टू सी आर पी सी उसमें हम रोशनी डाल रहे हैं ठीक है उस पर हम जो आ जाएंगे इससे पहले ये जब कम्प्लीट हो जाएगा फिर हम एडमिशन और कन्फेशन पे आएंगे ठीक है एक तो 2016 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मैं आपको बता दूंगा और मेरी अपनी भी एक जजमेंट है जिसमें वो 2016 की कोर्ट की हुई है ठीक है आइडेंटिफिकेशन पीरियड की वो मैं आपको जजमेंट दे दूंगा जो भी आपको जजमेंट चाहिए होंगी अच्छा मैं ना आप लोगों को मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग लीगल रिसर्च है किताबों में से रिसर्च प्रॉपरली कैसे करनी है कितने लोग आप में से वापस आए आप लोगों में कितने लोग एनुअल लॉ डाइजेस्ट पढ़े हुए हैं ये बताएं पढ़ा कितने नहीं नहीं ये तो आपको जजमेंट लिखी है ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज ऐसी एम आर में है ये एम एल डी में है ये पी सी आर एल ई में है तो आपने एनुअल लॉ डाइजेस्ट सी जी में पढ़ा अभी ये हो जाएगा आपको मैं रिसर्च टूल्स भी बताऊंगा कि आपने किसी पॉपुलेशन पे प्रॉपरली रिसर्च कैसे करना है उसके बाद आपको ये होगा कि आपकी लाइब्रेरी में जो बुक्स पढ़ी है ना और बड़ी बड़ी गल नहीं है किसी ने बहुत कम लोग देखते हैं आप उनसे पूरी तरह इस्तेफादा कर सकेंगे मुझे याद है कि मुझे जब 2000 में प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने हामिद खान साहब का ज्वाइन किया चैम्बर तो मुझे पहली पॉपुलेशन मिली रिसर्च करने के लिए कि आप बताएं कि किन हालात में चैलेंज हो सकता किन सर्कमस्टांसेस में किन चैलेंज हो सकता अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप इस पर रिसर्च करेंगे आप क्या करेंगे कि मैं पहले 1990 का सी एस टी निकाल रहा हूँ 1990 का एस एम आर निकाल रहा हूँ हर साल करता रहा हूँ ये तो ऐसे ही है कि कमर के पीछे से ला के उसको काम पकड़ रहा हूँ बात आप उसकी जगह क्या करेंगे कंप्यूटर तो मौजूद है आपका लेकिन आप निकालेंगे एनुअल लॉ डाइजेस्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर एक को इंटरव्यू लीजिए आप लोगों ने कैसे रिसर्च करते हैं आपको कंप्यूटर में भी बताएंगे कि इस पर कैसे अट्रैक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं लेकिन एक चीज़ याद रखें कि रिसर्च अच्छी रिसर्च करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की नॉलेज बेस हो जब तक आप जजमेंट्स नहीं पढ़ेंगे आप उस वक्त तक अपनी डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं ला सकेंगे कि मैंने किस एंगल में रिसर्च कर दिया किस तरफ जा के मैंने रिसर्च कर दिया सबसे जरूरी चीज़ ये है कि जब तक जजमेंट के जरिए आपकी नॉलेज पे कब तक की जो प्रैक्टिस जो आप कर रहे होते हैं जो फाइलें पढ़ रहे होते हैं जिस बुक को मैं कहता हूँ कि लॉ की जितनी बुक्स आप उसके इंडेक्स को ही देख रहे हो ना तो इन परसेप्टली गैर महसूस तरीके से आप लर्न कर रहे होते हैं आप उस वक्त नहीं पता चल रहा लेकिन जैसे ही वैसी मिलती जुलती चीज़ को सामने आती है तो वो जो चीज़ आपके दिमाग में फील हो रही होती है ऑलरेडी वो डेटवर्क से रखेटा गया तो ये रिसर्च वाले टूल्स हैं इंशाल्लाह इससे भी आपको उपयोग करेंगे और आप जितने लोग हैं माशाल्लाह ये वुड बी मतलब ये वुड बिकम वेरी इफेक्टिव लॉयर जब तक लॉयर को रिसर्च टूल नहीं आते वो ही कैन नॉट चेंज टू योर लॉयर आप ये बात याद रखें हमारे पास किसी चीज़ अभी ये चीज़ें नहीं बताते सच की वो छोड़ देते हैं कि आप जाएंगे ऑफिस में जो भी चीज़ है उनके आपको सिखाएं सिखाएं ना सिखाएं ना सिखाएं कहीं वो खुद भी नहीं पता अब मैं हैरान हूँ कि हमारे यहाँ कोर्स में जरा चंद लोग हैं जो एनुअल लॉ डाइजेस्ट बकायदगी से खरीदते हैं उस पर लाए करते हैं उस पर रिसर्च करते हैं इनका ये होता है जब आपके पास पॉपुलेशन आती है आपने शुरू से लेकर आखिर तक उसकी जो लेटेस्ट चीज़ है वो देखते हैं इन शाह उसमें भी अब सिखाएंगे ठीक हो सर मोहतर मीनार साहुल आलम शेवानी साहब का एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सर आपका बहुत शुक्रिया सर आपके किसी टाइम का नेक्स्ट वीक सर इंशाल्लाह टू डेज बिफोर आपको सर इंटीमेट कर देंगे हम सर तो तमाम एक्सपीरियंस का बहुत शुक्रिया तो जो भी इस वाले से मेरी सजेशन और फीडबैक जो तो आई एम अवेलेबल जरूर बताइएगा बहुत शुक्रिया थैंक यू